हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कस्टर्ड का केक, जो देखिए बहुत ही आसानी से ये बनता है और बहुत ही सॉफ्ट रहता है हमारा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ये हमारा। देखिए जैसा आप इसको छोड़ेंगे वैसा ही ये शेप आ जाएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्दी कर दें। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बॉल लेंगे और उसमें मैं एक कप मैदा, ये इस टाइप का मैदा लगेगा, कटोरी से मैंने लिया एक कप। और इसमें मैं 3 स्पून कस्टर्ड डालूंगी, ये वेनिला वाला है, 3 है हमारा, 3 चम्मच है। और इसमें 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर लगेगा हमारा, ये देखिए बेकिंग पाउडर है 1.5 चम्मच। इस तरह हमें इसे मिक्स करना है। और इसे हम फिर से छान लेंगे छलनी में। ये देखिए तीनों चीज को इस तरह हम मिक्स कर लेंगे और एक छलनी लेंगे और इस तरह इसमें हम धीरे धीरे डालकर इस तरह सारे को छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने छलनी से छान लिया, अब इसमें मैं इसे डाल दूंगी। मैंने उसे चार कर रख दिया। अब हमें इसकी ये बताइए, चीनी है हमारा पिसा हुआ चीनी है, तो आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए मैंने चीनी डाल दिया इसमें, ये एक कटोरी, आधा कटोरी था लगभग। तो जितना आपने चीनी लिया है उतने ही हमें तेल लेना है। आप चाहे तो कोई और भी तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या बटर भी ले सकते हैं। इस तरह हमें दोनों को डालकर मिक्सर जार में पीस लेना है। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया, तो अब इसमें हमें 2 स्पून दूध डाल के इसे फिर से पीसना होगा। ये देखिए अब हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो ये देखिए अब मैं इसे पीस ली हूँ, अब इसे एक जार में मैं निकाल लूंगी इस तरह। ये देखिए अब मैं इसमें निकाली। अब हमें ये जो मैंने मिक्सर रखा था इसे थोड़ा थोड़ा देख के इस तरह और इसे फेंट ले। मिक्सी में हमें पीसने का एक ही रीजन था क्योंकि जल्दी हमारा हो जाएगा, ऐसे अगर आप फेंटोगे तो थोड़ा देर लगता है। तो इस तरह हम डाल देंगे सारा। ये देखिए इस तरह हुआ, तो अब हमें लग रहा है ये थोड़ा टाइट डो है हमारा, तो आप इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करें और इसे फिर से एक बार मिला लें। ये देखिए अभी भी हमारा टाइट डो है, तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध देके हम इसका बैटर तैयार करेंगे। आपका जितना दूध लगे उतना ही दें। ये देखिए बैटर तैयार है इस तरह। मैंने देखिए आधा कटोरी दूध लिया था, इतना दूध मेरा बच गया है। तो अब मैं इसे, ये देखिए हमारा केक बनाने का है, तो अब हम इसे थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लें इस तरह चारों तरफ। और इसमें थोड़ा सा मैदा, फिर इसमें ये देखिए इस तरह मैदा डालें और इसे चारों तरफ इस तरह हमें करना है। देखिए मैंने इसे मैदा से ग्रीस कर लिया, तो अब मैं ये बैटर को इस तरह डाल दूंगी। तो ये देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार हो गया। अब मैं इसे कुकर में इस तरह हमें देखिए करके इसे बैठा लेना चारों तरफ से, ये देखिए इस तरह। अब चलिए मैं इसे कुकर में डालती हूँ इस तरह हमें। ये देखिए मैंने एक कुकर में स्टैंड डाल दिया और नमक, पहले जो मैंने यूज कर रखा था उसी को मैं यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे पहले ही चढ़ा दिया था, गर्म होने के लिए हीट हो चुका है। तो अब मैं इसको अंदर इसे डाल देंगी।
ये देखिए मैंने इस बैटर को डाल दिया। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे इस तरह, और सीटी को निकाल देना है और इसे हम 30 से 40 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए तो गैस को मैंने लो कर दिया है, लो करना है। तो अब मैं इसे 30 से 40 मिनट के लिए कुक करूंगी, और इसे बीच में आप खोल के ना देखें, 30-40 मिनट के बाद देखें। तो ये अगर नहीं हुआ तो और आप 5 से 10 मिनट इसे कुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कि ये देखिए अब 30 मिनट हमारा हो चुका है, तो मैं एक बार कुकर को चेक कर लेती हूँ कि हमारा बेक हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितना प्यारा हमारा केक हो गया है। तो अब इसे मैं चेक करती हूँ। ये देखिए इसे चेक करने का ये तरीका है कि आप एक चाकू ले, इस तरह इसके अंदर घुसाएं, और ये देखिए अगर आपके चाकू में कुछ भी ना लगा हो तो यानी हमारा केक तैयार है। तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं इस तरह सरसी से इसे निकाल लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए मेरा 2 घंटे के बाद हमारा केक जो है ठंडा एकदम हो गया है। तो अब मैं इसे चक्कू की सहायता से इसे थोड़ा सा इस तरह करना है, चारों तरफ आप कर दे इस तरह। अगर आप इसमें चाहे तो टूटी फ्रूटी भी दे सकते हैं, मैंने टूटी फ्रूटी नहीं दिया तो ये टूटी फ्रूटी भी देते हैं। देखिए इस तरह अब मैं एक प्लेट लूंगी इसे उल्टा कर इसे थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह कर देंगे। अब ये देखिए केक हमारा एकदम अच्छा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। आप इसे गरम में अगर आप काटोगे तो ये बिखर जाएगा। ये देखिए अब इस तरह हमें इसका पीस बना लेना है। केक कितना प्यारा बनके तैयार है, और इसी तरह हम सारा कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सारा केक कट के तैयार है, और कितना प्यारा हमारा ये केक बना है। तो देखिए और ये बहुत जल्दी बनता है।